बादल हमारे सामने है, वहां से माता रानी तीर मारा था सीधे इधर आके, इनका शीश गिरा था। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। गाइस फाइनली आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, हमारी ट्रेन है 12:45 की, हम निकल जाएंगे 11 बजे तक। सारे लोग, पूरी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, सारे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके कम्प्लीट है, बस बैग लेके सीधा घर जाते हैं। घर जाने के बाद रेडी शेडी होके सीधा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। हेलो भाइयों, हम आ चुके हैं जलंधर के रेलवे स्टेशन, खाना पीना खा पी के इस तरीके से रेडी शेडी होके अब हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। ट्रेन आने वाली थोड़ी देर से, तो हम सीधे चलते हैं माँ वैष्णो देवी कटरा। और वीडियो में बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, जय माता दी, जय माता दी। ट्रेन आ चुकी है अपनी सीधे वैष्णो देवी कटरा के लिए, तो बैठते सीधे ट्रेन में। ट्रेन रुकी पड़ी है, इधर इधर खाने की कुछ व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है थोड़ी सी दूर और उधर जाएंगे, जब तक तो ट्रेन चल देगी, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, ट्रेन में वापस बैठ रहे हैं। रास्ते में इंजन डिब्बा चेंज हुआ, ट्रेन उल्टी जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे तो रोना आ गया, वापस पंजाब तो नहीं ले जा रहे हैं। लोग इधर ट्रेन रुकी है, देखो मौसम देख सकते हैं आप, बिल्कुल शानदार वाला। और देख सकते हैं बंदे मौसम के मजे नहीं ले रहे हैं, अभी भी फोन पे फोन चलाए जा रहे हैं बंदे, शर्म करो भाई, शर्म जबरदस्ती। ब्लॉग में कुछ बोलो भाई, ब्लॉग में कुछ बोलो, कुछ बोलो भाई, ब्लॉग में कुछ बोल भाई, बोल बोल, यूट्यूब ब्लॉग बनना है भाई। हमारे इस टीवी में आपका स्वागत है। अच्छा टीवी, हेलो, हाँ भाई टीवी, आपका स्वागत है। अगला कार्यक्रम हम दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक, इतनी ब्रेक भी आ गया भाई। तो भाई लोग, कभी कभी क्या होता है ट्रेन में, लोग अपना इधर ही खाते हैं, सोते हैं, उड़ते हैं, फिर उठ जाते हैं और ब्रश करते हैं, मतलब अपना घर समझ लेते हैं भाई। मेरे बारे कह रहा है साहब, सब बता दे, मैं कुछ अच्छा बोलेगा। ट्रेन के डिब्बे को भाई घर समझते हैं पूरा। अच्छा। कि अपने घर में आके राज्य कर लिया हो, एक सीट के लिए तो मतलब राज्य कर लिया, पूरी सीट बुक कर ली है। ट्रेन बंदा को गंद फैला रहे हैं भाई, इधर से जो इधर से ऐसे करते हुए ना, जो लहर आई ऐसे करते हुए ऐसे, वो चीज में वाह में पिघल गया भाई, मुझे भी आ रही, इसलिए मैं नाक वाह प्यास रे हल्का ठस बस। सो हे गाइस, मैं तो भाई लोग आप देख सकते हैं, जैसा कि भंडारा शुरू हो चुका है ट्रेन के अंदर, देख सकते हैं ये हमारी ये दीदी ज्यादा खा रही है, देखो चार पूड़ी एक्स्ट्रा में रखी है इन्हें, कोई बात फिर भी कुछ नहीं होता, चार पाँच खा लो भाई, पूरे दोना पत्तल सीने, ओनली 10 रुपए प्लेट है गाइस, आप भी आओ, आप भी खाओ। और ये भंडारा पेलते हुए देख सकते हैं, सब भंडारा पेलते हुए फ्री में, कोई पैसे नहीं दे रहा। तो भाई जम्मू तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे वैष्णो देवी कटरा। तो वीडियो में बने रहो, बहुत सारा प्यार दो मेरे भाई को। हेलो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी कटरा, अभी इतने ज़्यादा थक चुके हैं ट्रेन में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी अब बाहर जाके देखते हैं स्टे करने का, रुकने का, जाके रेस्ट करेंगे, फिर आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे क्या है, ठीक है, आपको कैसे चढ़ना है सब सुबह दिखाएंगे आपको। तो हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग, अभी अभी हम सोकर उठ चुके हैं, अभी 9 बज गए, सीधा फ्रेश व्रेश होके रेडी शेडी होके सीधे चलते हैं माता जी के दर्शन करने। यहाँ से पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, इतना शानदार व्यू, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं, सारा कुछ नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो भाई दर्शन करने से पहले यात्रा पर्ची बनवाते हैं, यात्रा पर्ची अनिवार्य है, बस स्टॉप के पास में बनती है, और आधार कार्ड लाना ना भूलें, देख सकते हैं आपका फोटो क्लिक होगा, एक आपको कार्ड मिल जाएगा, 474001। तो भाइयों यात्रा पर्ची भी बन गई है, अपना कार्ड, यात्रा कार्ड बन गया है, देख सकते हैं आप, अब जा रहे हैं होटल वापस, वो गाड़ी बुक करके देंगे, वही हमें छोड़ेंगे, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है।
भाइयों हम निकल गए हैं सीधे माता के दर्शन करने के लिए, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा नजारा है। तो बोलो माता रानी की जय। बहुत प्यारे प्यारे शानदार शानदार व्यू दिखाने वाले हम। ये देखो भाई लाइन से ऑटो ही ऑटो, ये देख भाई इनका मालिक है हमारा। माता रानी के पास आ रहे हैं तो कुछ मांगने मत आओ, कुछ मांगो मत, माता रानी को सब पता है, सिर्फ प्रेम ही दर्शन करो। अंबानी की तरह हाथ जोड़ के बोले माता, कोई जीज की जोड़ के तो बोल देना। जय माता दी, जय माता दी। भाई चेकिंग की लाइन में लग चुके हैं, यहाँ पे चेक वगैरह किया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरी चेकिंग होती है तरीके से सबकी। तो भाइयों भैया के साथ प्रैंक हो गया, सेल्फी स्टिक वाला आगे पूछता है भैया से कि भाई सेल्फी स्टिक ले लो, भैया ने बोल दिया हमारे पास तो फोन ही नहीं। देखो देखो है कोई मुझसे ज़्यादा स्मार्ट भैया देख रहे हैं। भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ, बाढ़ गंगा पहुँच चुके हैं, बहुत शानदार झरना बह रहा है, बहुत प्यारा पानी है, बिल्कुल मौसम हो रहा है एक नंबर मौसम, तो आपको दिखाते हैं आ जाए। एक नंबर वाला सीन है भाई लोग, आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी इतना ठंडा है ना, जगह श्रद्धालु भक्त सारे इतने मजे से नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं हाँ भाई टांग क्या कर रहा है, भाई कैसा लग रहा है, सही बताओ ना भाई, भाई कैसा लग रहा है मुझे, अगर जानवर जानवर के ऊपर बैठे तो कैसा लगता है। हाँ भाई लोगों को पता चल रहा है मुझे। माता रानी के पास पहुँचते हुए धीमे धीमे चलते हुए देख रहे हो, लोगों को कच्चर पे जाना है, घोड़े पे जाना है, कहीं इस पे जाना है, कहीं उस पे जाना है, वो कितनी बुजुर्ग दादी, कितनी एजेड हैं, कितनी कैसे झुक के चल रही हैं, फिर भी पैदल जा रही है, पैदल है ना, आप देख सकते हैं, देख के दिल खुश हो गया। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं बहुत ऊंचाई ऊपर, बादल हमारे सामने हैं देख सकते हैं आप, और ये देखिए बेहतरीन नज़ारा भाई, पूरा जन्नत वाला फील है। आप देखो कितनी ऊंचाई पे हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो गाड़ियाँ कितनी छोटी दिख रही हैं, ये देखिए पूरा फुल जूम कर दिया मैंने, समझ जाओ कच्चर नहीं है बेटा, घोड़ा ये घोड़ा घोड़ा बुक करा हमने, ठीक है ये माता जी क्या था, इसलिए घोड़ा बुक कर लिया बेटा, घोड़ा सबसे बेहतर है। ₹50 भाई लो आओ और खाओ और दर्शन करो। सो भाइयों हम पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी माता का आधा रास्ता है ये, यहाँ पे भक्त लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और आराम करते हैं, आराम करके फिर यहाँ से रवाना करते हैं दोबारा, यहाँ से रह गया अभी माता का मंदिर 8-9 किलोमीटर, तो चलते 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 मजा आ रहा है, और आप व्यू देख सकते हैं बिल्कुल सही वाला है। तो भाई हम गर्भजोनी को भाग के लिए गए थे, हमें निकाल दिया, बोल रहे हैं कि आपका नंबर नहीं आया, हमारा नंबर 24 घंटे बाद है, हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कराया, उसके बाद हमारा नंबर है 344 करके,
तो भाई सीधा बोल रहे हैं वो तो 24 घंटे बाद ही आएगा। मेरा वो मन बहुत है जाने का, क्योंकि वहाँ एक ही जो मान्यता है ना बहुत, और भाई गर्भ जोनी की जो मान्यता है ना, एक बार जो इंसान उसमें चला जाता है जन्म मरम के चक्र से बिल्कुल हट जाता है, मतलब सीधे बैकुंठ धाम जाता है प्रभु के धाम। बिना दर्शन किए तो जाऊंगा नहीं, कल आऊंगा, कल आएंगे, पूरे 24 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे, उसके बाद ही दर्शन होगा उसका, दर्शन हो जाए और दर्शन के बाद ही घर जाएंगे हम। देखो भाई यहाँ पे घर बनने हैं बिल्कुल असली वाले, ये हमारे भाई ने बनाया एक छोटा सा घर प्यारा सा, ठीक है, और ये मेरा घर है छोटा सा, चलो अपन को छोटे चाहिए। और इसको देखो भाई पूरा मतलब फैक्ट्री गोडाउन होना रखा है पूरा मतलब, पर ये अच्छा लग रहा है, राम जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वैसे भी जो राम और देख सकते हैं किसी काम का नहीं मतलब। और वो देखो मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है एक ने पूरा भाई, देख रहे हो, और मतलब बंदों को वही नहीं है, ये देखो कोई ने कुतुब मीनार बना रखा है, कोई ने बुर्ज खलीफा बना रखा है, और भाई में फैजू भाई से मिलना है, फैजू भाई से मिले नहीं, ये देव कच्चर भाई मिल चुके हमने। भाइयो मंदिर की थोड़ी सी झलक अपने को देखते हुए, भाई देखो यार सुकून सा मिल गया बिल्कुल, बहुत सुकून। एक घंटे से लाइन में लगने के बाद ये दृश्य देखने को मिला है, देख सकते हैं पहले कोई लाइन नहीं थी, अब कितनी तगड़ी वाली लाइन है। भाई कैसा लगा, आधे घंटे की बोल गए, एक घंटे बाद ब्लैंकेट दे रहे हैं भाई, देख सकते हैं आप ब्लैंकेट स्टोर यही मिलता है 100 रुपए में ब्लैंकेट। ये माता के दरबार पे जनरल डब्बा फुल होते हुए आप देख सकते हैं, जनरल डब्बा पूरा पैक हो चुका है भाई, सोने की जगह नहीं हमको, अब व्यवस्था ढूंढ रहे हैं भाई। ये बहुत तगड़ी गुड मॉर्निंग होते हुए, सोने से पहले ही हमारी सुबह हो चुकी है, रात के 2 बजे जगा के हमको नहलाया गया है, अत्याचार किया गया हमारे ऊपर भाई, अब सीधे नहा धो के रेडी शेडी हो के हम जा रहे हैं सीधा प्रसाद लेने, अब प्रसाद लेके जाते हैं सीधा माता के दर्शन करने। तो भाई हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, ये दूर तक वो ऊपर तक वहाँ तक लाइन है, और पीछे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अब सीधा अंदर जाते हैं, अंदर फोन पर्स बेल्ट सारा कुछ जमा कर लेते हैं, तो हम सारा कुछ बाहर रख के जाएंगे, हम दर्शन करके आपको सीधा बाहर बताते हैं। जय माता दी, राधे राधे। तो भाइयों बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा प्यारे दर्शन करके आ चुके हैं माता रानी के, दो बार दर्शन हुए हमको, पहले गए उनके सीढ़ियों से ऊपर गए तो वहाँ से रास्ता खुला हुआ था, तो हम दोबारा चले गए माता रानी दर्शन करने, बहुत प्यारे बहुत सुंदर दर्शन हुए, एक बार नहीं दो बार। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा आशीर्वाद हमको मिला, आप माता रानी आपको भी जल्दी बुलाएं इधर, आपकी मनोकामना पूरी करें और सब प्रेम से आओ, बहुत प्यारे दर्शन हुए। जय माता। दर्शन करने के बाद चाय नाश्ता करते हुए, चाय बंद खाते हुए भाई, 8 रुपए की चाय और 12 रुपए का बंद पाओ, इतना भाई टेस्टी है ना, बहुत बढ़िया, जब भी आओ तो इधर ही आना भाई। तो भैया बताएंगे माता रानी के दर्शन करके कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। अच्छा ये बताइए आप कौन कौन सी माता थी, अगर 3 पंडिया थी कौन कौन सी माता थी? पूछना पड़ेगा। भाइयों ऐसा है, अगर 3 माता रानी 3 पिंडियाँ हैं पर नाम एक ही है, वैष्णो माता का नाम एक ही है, 3 पिंडियाँ पर नाम एक ही से चलता है, तो बोलो माता रानी की जय। तो भाइयों आप देख सकते हैं माता रानी दरबार पर बारिश होते हुए बहुत तगड़ी वाली, ये देखिए भाई, और ये देख सकते हैं आप ऊपर बादल ही बादल भाई, बिल्कुल सामने ही आ गए मेरे, तो मौसम तो हो गया मौसम, और देख सकते हैं आप मैं और मेरा भाई देव कच्चर, मेरा बच्चा, कब भी आओ ओनली फ्री सेवा भाई, कोई पैसे नहीं लगा चढ़ाई चढ़ने के। भाई आपको बढ़िया दर्शन करने हैं तो आप देख सकते हैं 2 से 3 बजे रात में उठकर नहा के बढ़िया दर्शन कर लें, आपने तो लाइन देख रहे हैं कितनी लंबी है, ये देखो भाई कोई बुरा हाल हो जाएगा भाई, जल्दी दर्शन कर रहे हैं तो रात में दर्शन कर लो, आराम से बढ़िया दर्शन हो जाएंगे।
आते ही है ना बिल्कुल फ्लाइट वाली फीलिंग भाई, कान वान सब बंद और ऐसे ऐसे हो रहा था ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे हो रहा था। फाइनली गाइस हमने माता रानी के बाद भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए हैं और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाया। तो बोलते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करना अनिवार्य है क्योंकि इनके दर्शन नहीं करते तो तुम्हारे यात्रा का कोई फल ही नहीं मिलता। आप देख सामने देख सकते हो भैरव बाबा, देख सकते हैं भैरव बाबा जी का मंदिर और ये कितनी ऊंचाई देख सकते हैं माता। तो भाई आप देख सकते हैं इधर का व्यू, वो है माता रानी का मंदिर। वहाँ से माता रानी तीर मारा था सीधे इधर आके, इनका शीश गिरा था भैरव बाबा का। तो भाई मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड फैमिली के साथ शेयर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी, राधे राधे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।